नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। पालपा में बस के ठक्कर से एक छात्रा की मृत्यु। चितवन में टैंकर ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार एक छात्रा की मृत्यु। जनकपुर मिल्स एरिया स्थित एक रुई दुकान में आग लगी, करीब 15 लाख क्षति। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद अध्यक्ष शर्मा, नया शक्ति नेपालक नेता रायन आई 7 दिन से हो आमरण अनशन में। मधेशी मोर्चा दबाव देने कारण स्थानीय निर्वाचनक मिति घोषणा हो बने सकल, प्रधानमंत्री कहब। आ केनिया संग के खेल लगले, नेपाल एसीसी इमर्जिंग कप खेल लागल। आप समाचार विस्तार से। पालपा कुसुम नदी में स्कूल बस ठक्कर से एक बालिका की मृत्यु फैलाई छे। हारथोक से बतासी जा रहल लू एक का 1120 नंबर बस के ठक्कर से कुसुम नदी वार्ड नंबर 8 गोदाहिक 8 बरखक शबीना बगालेक मृत्यु फैलाई छे। घटना बाद आक्रोशित स्थानीय वासी बाट अवरोध केने छल। तहिना चितवनक जैमिरे में टैंकर ठक्कर देला सा मोटरसाइकिल में सवार एक छात्रा के मृत्यु फैलाई ठक्कर से राप्ती नगर पालिका वार्ड नंबर 12 के 17 बरखक शबीना पुन के मृत्यु फैलाई छे। टाडी से वीरेंद्र नगर दिस जा रहल ना 2 ख 5754 नंबर टैंकर से पुनः सवार ना 42 पर 4886 नंबर मोटरसाइकिल के चैनपुर चौक में ठक्कर देने छल। मोटरसाइकिल चालक सामान्य घायल फैलाई छे। जनकपुरक मिल्स एरिया स्थित एक रुई दुकान में काल रात आग लगी फैलाई छे। मिल्स एरिया वार्ड नंबर 1 स्थित ताज रुई सेंटर में काल रात 8:15 बजे दिस आग लगी से करीब 15 लाख क्षति भेल। रुई सेंटरक संचालक अयुब हुसैन जानकारी देलन अछि। आग लगी से रुई सेंटर के कात में रहल दोसर भवन में सेहो क्षति पहुँचल अछि। आग के नेपाली सेना बाल नियंत्र आ स्थानीय सहयोग में काल राते नियंत्रण में लेने पुलिस जनौलक अछि। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदक अध्यक्ष राम कुमार शर्मा आ नया शक्ति नेपालक नेता कल्लामुद्दीन रायन आई 7 दिन से हो आमरण अनशन में बैसल छथि। जनकपुरक आर्थिक विकास आ समृद्धि में प्रभाव पारा चका संस्थागत रूप में भ्रष्टाचार बढ़ल कहित 7 बूंदे मांग राखि ओ सब जनक चौक में आमरण अनशन में बैसल छथि। ओ सब जनकपुर में गुट्ठी संस्थान अंतर्गत हजारों बीघा जमीन तथा जानकी मंदिर के ट्रस्ट मार्फत व्यवस्थित कर प्रभाक प्रस्तावित प्रदर्शी जनक विश्वविद्यालय के लिए संसद से एन पारित कराब परवाक आ मणिपाल शिक्षण अस्पताल जल्दी बनाव परवाक अथवा बनाव नै सकल ठेकेदार में कार्यवाही कर सगा कोनो संस्था के देव परवाक मांग केने अछि। तहिना 500 सैयाक रहल जनकपुर अंचल अस्पताल के शिक्षण अस्पताल रूप में विस्तार कर पड़त। जनकपुर के व्यवस्थित शहरीकरण कर 6 लेन के रिंग रोड वर्तमान एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाव पर बाघ सहित मांग रखल गेल अछि। प्रस्तावित प्रदेश नंबर 2 के राजधानी रूप में रहल जनकपुर विकासक पर्याप्त पूर्वाधार रहत त सेहो सरकार पक्ष उदासीन रहल अध्यक्ष शर्माक आरोप अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल मधेशी मोर्चा दबाव देने कारण स्थानीय निर्वाचनक मिति घोषणा हो बने सकल स्वीकार केलन अछि। प्रधानमंत्री दाहाल मधेशी मोर्चा आ अन्य पक्ष के सेहो साथ लक निर्वाचनक मिति तय कर सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो दोहरौलन अछि। चितवनक भक्तपुर विमान स्थल में स्थानीय संचार कर्मी संग बात करैत प्रधानमंत्री दाहाल बैसाख चेट भीतर निर्वाचन सम्पन्न भ जायत दावी सेहो केलन अछि। ओ सरकार निर्वाचन आयोग के पत्रचार केने से निर्वाचन सम्पन्न कराब आधार तय भ गेल सेहो दावी केलन अछि। प्रधानमंत्री दहाल संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित कराब पहल करबाक आ ओहन नहि भेल त समझदारी बना कऽ निर्वाचनक मिति तक पुराने अडान दोहरौलन अछि। एउटा समझदारी बनाउने आवश्यकता छ। उहाँहरूले हाम्रो बारेमा समझदारी भएपछि मात्रै गते तोक्दा ठिक हुन्छ भन्ने मञ्चन देखाएपछि अवधि तोकिएको छ। गते कुनै पनि बेला समझदारी हुने बित्तिकै तोकिन्छ। मधेसी मोर्चा र अरूलाई पनि सामेल गरेर चुनाव गराउनु छ, त्यसको निम्ति मात्रै टेक्निकल्ली त्यो गते नभनिएको हो। तपाईँहरूले र सबै नेपाली जनताले बुझिसकेको कुरा छ कि चुनाव चाहिँ एउटा निश्चित मितिमा वैशाख जेठभित्रै हुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल सरकार निर्वाचनके ध्यानमा राख स्थानीय त पुनः
रचना आयोगक प्रतिवेदन छानबिन कर मंत्री स्तरीय कार्यदल बनाओल गेल से हो स्पष्टीकरण अछि। ओ सरकार निर्वाचन के स्वच्छ निष्पक्ष आ धांधली रहित बनाब से हो विद्युतीय मशीनक प्रयोग कर लागल से हो जानकारी करौलन अछि। प्रधानमंत्री दहाल निर्वाचनक तैयारी भ गेल से हो बतौलन अछि। विधेयक जुन छ त्यसलाई पारित गराउने नै पहिलो कोशिश हुन्छ। अब पारित हुन अप्ठ्यारो भयो भने केही दिन भित्र समझदारी बनाउने पनि अर्को कोशिश चलिराखेको छ। र अहिले फेरि स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनमाथि कार्यदल बनाएर क्याबिनेटले 15 दिनको अवधि दिएको छ। यो सबै कुराको एउटा समझदारी बनिसकेपछि निर्वाचनको मिति पनि तोकिन्छ, तयारी चाहिँ अति नै देखि सुरु भइ नै सक्यो। प्रधानमन्त्री दहाल सरकारके सहयोग गर विपक्ष एमाले सहितक दल सबके सेहो आग्रह केलन अछि। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगक लेल बंगालक खाडीक प्रयास बिमस्टेकक सदस्य राष्ट्रसभक चारिमे शिखर सम्मेलन सन् 2017 के अत्याधरिमे नेपालमे होब लागल अछि। काठमाडौँमे सम्पन्न बिमस्टेकक उच्च स्तरीय कार्यदलक बैसार आगामी जे महिनामे मन्त्री स्तरीय बैसार सम्पन्न क एजेन्डा तय करबाक आ सन् 2017 के अन्त्य धरि आयोजक राष्ट्रक हैसियत सँ नेपाल में चारिम शिखर सम्मेलन करबाक निर्णय केने अछि। बिमस्टेकक चारिम शिखर सम्मेलन यह वर्षक अंत्य धरि सम्पन्न करबाक निर्णय लेल गेल। परराष्ट्र मंत्रालयक सचिव शंकर दास बैरागी जानकारी देलन अछि। बिमस्टेकक उच्च स्तरीय कार्यदल केने निर्णय संबंध में जानकारी देब आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बजैत ओ जे महीना भित्र बैसबला मंत्री स्तरीय बैसार शिखर सम्मेलनक एजेंडा तय करबाक सेहो स्पष्टीकरण अछि। सचिव बैरागी सदस्य राष्ट्र सब बीच परामर्श क शिखर सम्मेलनक मिति तय हात से हो उल्लेख केलन अछि। आगामी जून महीना बिम्स्टेक को 15 मंत्री स्तरीय बैठक को आयोजन गर्ने छ र यो वर्ष 2017 मैले अंग्रेजी डेट भनिरहेको छु 1917 को 2017 को अन्तसम्ममा हामीले बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छौँ। बैसार सदस्य राष्ट्रसभा बीचक व्यापार लगानी पर्यटन ऊर्जा गरिबी निवारण संचार प्राविधिक विकासमे मिलकर काज करबाक निर्णय सेहो लेने अछि। बिम्स्टेकक सदस्य राष्ट्रसभा बीच ठोस रणनीति तय करबाक योजना सेहो बनाउने अछि। अपन संस्थानक संस्थापनाक 20 वर्ष पहुँचऽ लागल अवसरमे एहि क्षेत्रक विकासक लेल ठोस रणनीति तय कऽ कऽ आगू बढ़के निर्णय सेहो लेल गेल। परराष्ट्र मंत्रालय व्यापारको क्षेत्रमा पर्यटनको क्षेत्रमा लगानीको क्षेत्रमा ऊर्जाको क्षेत्रमा र प्रविधि हस्तान्तरणको क्षेत्रमा विभिन्न छलफल भएर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय आप नेपालक सम्पूर्ण ध्यान बिम्स्टेक बेसार सम्पन्न कर दिस केन्द्रित हात सेहो जनौलक अछि। बिम्स्टेकक तेसर शिखर सम्मेलन सन् 2014 म्यानमारमे भेल छल। म्यानमारमे भेल शिखर सम्मेलन नेपाल के अध्यक्ष राष्ट्रक जिम्मेवारी सहित चारिम शिखर सम्मेलन करबाक जिम्मेवारी देने छल। बिम्स्टेकमे नेपाल बंगलादेश भूटान भारत म्यानमार श्रीलंका आ थाईलैंड सदस्य राष्ट्र रहल अछि। पूर्वी दक्षिण एशियाली क्षेत्रक आर्थिक विकास व्यापार लगानी संचार प्रविधि ऊर्जा पर्यटन गरिबी निवारण कृषि तथा विकासक क्षेत्रमे साझेदारी कायम करक लेल बिम्स्टेकक स्थापना भेल छल। व्यवस्थापिका संसदक महाअभियोग सिफारिस समिति तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की उप महाअभियोग नै लगाब परत निष्कर्ष निकाल्लक अछि। महाअभियोग सिफारिस उपसमिति बुद्धिन समिति के बुझाउने प्रतिवेदनमे पदमुक्त भ गेल कार्की के महाअभियोग लगेबाक आवश्यकता नै रहल निष्कर्ष निकाल्ने अछि। समिति कार्की उपर लगाओल गेल महाअभियोग छानबिन करक लेल उपसमिति गठन केने छल। कार्की बहाल रहल समय देल गेल आदेश लेल गेल निर्णय आ कयल गेल पत्रचार के आधार बनौला सँ कार्की उपर लगाओल गेल महाअभियोग पुष्टि भेल बादो पदमुक्त भ गेल कारण संसद महाअभियोग लगेबाक आवश्यकता नै रहल
देखल गेल प्रतिवेदन में कहल गेल अछि। समिति के प्रतिवेदन बुझौने बाद उप समिति के संयोजक राम नारायण बिडारी सर्वोच्च अदालतक आदेश अनुसार पदमुक्त भ गेल व्यक्ति के संसद में महाअभियोग लगेबाक आवश्यकता नहीं रहल, निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन तैयार कैल गेल जानकारी देना अछि। उप समिति कार्की पद में रहला सा केने गैर कानूनी काज विरुद्ध राज्य मुदा देव पाउत सेहो उल्लेख केने अछि। पद में रहल समय फेल गैर कानूनी काज में मुदा देव पैबाक उप समिति के संयोजक बिडारी बतौलन अछि। अहिले के लेखियो त भन्दाखेरि अब महाभियोगको प्रस्तावमा पदमुक्त गरिरहने विषयमा बोलिरहनु परेन। अब जहाँसम्म उहाँ पदावसर काम गर्नु भने अयोग्य भए नि योग्य भए नि पदावसर त हो, फ्याक्ट हो, त्यो काम गरे पनि हो। हाम्रो नेपालको प्रचलित कानुनमा जुरिसप्रुडेन्सको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अनुसार उहाँले पदावसर गरेको काम वैध हुन्छ, कयौँ काम। अब कुन काम अवैध हुन्छ भने कानुन विपरीतको छ भने अवैध, उहाँले कानुन विपरीतको काम गर्नुभएको छ, संविधान विपरीतको काम गर्नुभएको छ, राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्नुभएको छ भने यो अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न खुलै छ। यो अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्ने निकाय को हो त भन्दा संसद होइन। यो कारवाही गर्ने निकाय नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, उदाहरणको निम्ति प्रहरी, सिआइबी होइन लगायतका संवैधानिक क्यानिया सँगै कि खेल लगले नेपाल एसिसी इमर्जिङ कप खेल लागल अछि। विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल आ क्यानिया खेल मार्च 11 आ 13 मे भ रहल अछि। आ खेल कृतिपुरमे हात लगभग पक्का अछि। अखन नेपाली राष्ट्रिय टोली अहिके तयारीक लेल बन्द प्रशिक्षणमे अछि, मुदा क्यानिया सँगै कि खेल लगले इमर्जिङ कप परल अछि। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसिसी मार्च 1525 मे इमर्जिङ कप यूएई मे खेलबाक प्रस्ताव केने अछि, जाहिमे एशियाक चार टेस्ट राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आ बंगलादेश U23 वा ए टीम सहभागी होयत त नेपाल सँगै अफगानिस्तान, यूएई आ हङकङ खेलत। यी मितिमे किछु हेरफेर होब सकबा क्रिकेट अधिकारी सब बतौलक अछि। विश्रामक बाद स्वागत है अपन समाचार में। अब अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। पाल्पा में बस के ठक्कर से एक छात्रा की मृत्यु, चितवन में टैंकर के ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार एक छात्रा की मृत्यु। जनकपुरक मिलसेरिया स्थित एक रुई दुकान में आग लगी, करीब 15 लाख क्षति। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदक अध्यक्ष शर्मा आ नया शक्ति नेपालक नेता राइन आई सातम दिन सेहो आमरण अनशन में। मधेसी मोर्चा दबाव देने कारण स्थानीय निर्वाचनक मिति घोषणा होबय नहीं सकल, प्रधानमंत्री कहब। आ केनिया संगे के खेल लगले नेपाल एसिसी इमर्जिंग कप खेल लागल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर, तेज नजर देखते रहब अपन टीवी। नमस्कार।